ओके जी, तो अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ चुका है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज। इन क्वेश्चंस में वैल्यूज हमें रेडियंस में गिवन है, हमें इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हुए 3π/4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 180π। इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू है वो डिग्री जो है कन्वर्ट हो जाती है, रेडियन मतलब कन्वर्ट हो जाता है डिग्रीज में। नाउ लुक, पाई पाई से कैंसिल हो गया, अब हमारे पास वैल्यू बच गई 3 × 180 और डिवाइडेड बाय 4। अब कैलकुलेटर के साथ अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, वैसे कटिंग भी कर सकते हो, लिखो मल्टीप्लाई करें 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें टेबल से, 4 × 4 = 16, 2 यहां से बाकी बचे, 5 के साथ 2 × 5 = 20 हो गए, 4 × 5 = 20। अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 135 डिग्री, और अब ये आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर। ओके जी, एक और क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्ट करेंगे डिग्री में 13/16π, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180π से, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 13 × 180 और नीचे 16। अब अगर हम 13 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो आंसर है 2340 आ जाएगा, 2340 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, किस किस को, 13 को 180 से मल्टीप्लाई करें 2340 आएगा, डिवाइडेड बाय 16। ये कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 146.25 डिग्री। अब ये कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर है और कन्वर्ट हो गया इनटू डिग्रीज।